हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड के निकटवर्ती बोरंडी बेड़ा समदड़ा में कुएं में मलबे में दबे युवक को निकालने के लिए आज रेस्क्यू के पांचवें दिन भी आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सुपरविजन में युद्ध स्तर पर कुएं के चारों तरफ खुदाई का कार्य तेजी से बिना रुके दिन रात चल रहा है। आज मौके पर पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत मौके पर पहुंचे, जहां सेना के अधिकारियों व पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार से कार्य प्रगति की रिपोर्ट पर चर्चा की व मौके पर चल रहे रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पाँच दिन से रात और दिन रेस्क्यू सेना के नेतृत्व में जारी है। वहीं सेना के अधिकारियों से भी एसपी रावत ने चल रहे रेस्क्यू के बारे में चर्चा की। मौके पर सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, सोजत डीवाईएसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सिरियारी थाना अधिकारी सुरेश सारन, सोजत रोड थाना अधिकारी अनिल कुमार बगड़ी, थाना अधिकारी बाबूलाल जांगेट, शिवपुरा थाना अधिकारी हरजी राम शहीद, आरएसी के जवान, एसटीआरएफ के जवान, पुलिस कर्मियों के जवान मौके पर मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत इन्होंने ये कहा। देखो, उम्मीद तो हर टाइम रखनी चाहिए और अभी इस बचाव कार्य में तो बच्चे को ढूंढने के लिए पाँच दिन से ये राहत कार्य चल रहा है। इसमें आर्मी की इंजीनियरिंग विंग का भी अधिकारी जवान सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके संयोजन में सारी चीज़ें अभी इसमें चल रही है और होपफुल है पूरा कि एक दो दिन में कोई पॉजिटिव चीज इसमें आएगी। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।